सिंगर मूसेवाला की हत्याकांड ने सनसनी मचा दी। पंजाब के दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा देश हैरान है। मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिंगर मूसेवाला की हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं मूसेवाला की हत्या के कुछ देर बाद आई एक फेसबुक पोस्ट से देश में हलचल मच गई। आपको बता दें, हत्या के कुछ देर बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। वहीं अब इस मर्डर के बारे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये हत्या बदले के लिए की गई है। पोस्ट में गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। साथ ही सचिन विश्नोई धतरवाली लॉरेंस विश्नोई ग्रुप का नाम भी इस हत्याकांड में शामिल है। पोस्ट में विक्की मिधुखेड़ा और गुरलाल बरार की हत्या के बदले की बात कही गई। वायरल हो रही इस पोस्ट से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हत्या का मुख्य कारण आपसी रंजिश और बदला है। वही हत्या के मामले में राजस्थान की जेल में बंद एक आरोपी लॉरेंस विश्नोई का नाम भी सामने आया है। लॉरेंस पहले भी कई मामलों को लेकर देश भर में सुर्खियां बटोर चुका है। लॉरेंस विश्नोई गैंग के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पिछले साल मोहाली में हुई विक्की मिधुखेड़ा की मौत का जिम्मेदार था। विक्की को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जाता है। लॉरेंस विश्नोई राजस्थान और पंजाब के साथ कई जगहों का मोस्ट वांटेड है, जो फिलहाल राजस्थान की अजमेर जेल में बंद है। मोस्ट वांटेड लॉरेंस ने अभिनेता सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। पोस्ट के बाद अब पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आपसी दुश्मनी का परिणाम लग रहा है और इसके लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भवरा ने कहा कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोहों के बीच आपसी दुश्मनी का परिणाम लग रही है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।